हम यहाँ पे लखनऊ के पीजीआई में हैं और आप यहाँ पे एक एम्बुलेंस देख सकते हैं। ये जो एम्बुलेंस है इसमें मेरी मम्मी एडमिट है और मेरी मम्मी आज 4 घंटे से इस एम्बुलेंस में है और मेरी मम्मी को अंदर एडमिट करने को नहीं दिया जा रहा है। मेरी मम्मी जीवन और मौत के बीच में जूझ रही है। मेरा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर मेरी किसी भी प्रकार की कोई मैं मदद कर सकता तो प्लीज़ मेरी मदद करो। आज का दिन हमारी फैमिली पे काफ़ी भारी है। आज के दिन हमारी पूरी फैमिली 5 के 5 सदस्य बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें। हम लोग का दिमागी संतुलन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मम्मी इस एम्बुलेंस में 5 घंटे से लगातार अंदर जीवन और मौत के बीच में है और कोई मदद नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम रायबरेली से लखनऊ जा रहे हैं और मैं बोल तक नहीं पा रही। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हुआ कि रायबरेली का मतलब अच्छा हॉस्पिटल में आता है, सीमेंस हॉस्पिटल है। यहाँ पे मम्मी की जब सडनली तबीयत ख़राब होती है तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आते हैं। हम लोग हमको ये लगता है कि प्राइवेट में ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाएगा और हम सबसे पहले एक दिन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल सीमेंस में लेके आते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर्स मम्मी को एडमिट कर लेते हैं, कहते हैं कि इनकी क्रिटिकल कंडीशन है और उसके बाद यहाँ पे सारी जाँचें होना शुरू हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि इनका सडनली जो है बॉडी का सोडियम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, इस कारण इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। उसके बाद मम्मी को यहाँ पे हम लोग सारे टेस्ट करवाने के बाद यहाँ पे एडमिट कर देते हैं और पूरी रात रखते हैं। और मगर यहाँ पे रात में रखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिलता है। हम लोगों को लगा था कि यहाँ पे सारी चीज़ें ट्रीटमेंट जब अच्छे से होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर यहाँ पे जो उम्मीद किया था वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे डॉक्टर हम लोगों को निगेटिव ही बता रहे थे कि मम्मी की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि मम्मी को बहुत ज़्यादा डॉक्टर डॉक्टर के सामने फेस करने की आदत नहीं थी, इसलिए वो अपने आप में बहुत ज़्यादा नर्वस भी महसूस कर रही थी, जिसके कारण उनका बीपी भी डाउन चल रहा था। यहाँ पे ये जो मोमेंट होता है बहुत टफ होता है जब आप अपने अपनों के लिए कुछ गलत चीज़ों की को लेकर के शाइन करते हो। ये जो शाइन करवाते हैं ना डॉक्टर, ये करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। वो सिचुएशन से भगवान कोई ना गुजरे, पर मैं यही कहूँगी। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर मतलब ये होता है कि अंदर लेके जाते हैं और वो ट्रीटमेंट चालू करने के लिए। और हमको ये लगता उम्मीद थी मतलब यहाँ पे कि यहाँ इस हॉस्पिटल में मम्मी ज़रूर ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब लोग कहते थे कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मगर ये कहते हैं ना कि जब वक्त बुरा होता है तो अच्छा बुरा कुछ नहीं, वो निगेटिव ही हो जाता है। और यहाँ पर मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मतलब रेफ़र कर दिया जाता है। हम यहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ये पहले हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल यहाँ पर रायबरेली के एम्स लेके जाते हैं। पर यहाँ पे संजोग इतना बुरा था, हम लोगों का किस्मत इतनी ख़राब थी कि एम्स में गेट से ही हम लोग को वापस कर दिया जाता है और फिर वहाँ से रेफ़र हम लोग को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के किया जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके आते हैं, यहाँ पे एम्स आप देख सकते हैं गेट में। और फिर यहाँ पे इस समय मम्मी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जैसे ही लेके जाते हैं यहाँ से भी हम लोग को रेफ़र कर दिया जाता है और कहा जाता है कि या तो मेडिकल कॉलेज ले जाइए या तो PGI ले जाइए, यही दो ऑप्शन आपके पास हैं। अब यहाँ पे फिर हमको मतलब कोई भी अनुभव नहीं था PGI का, क्योंकि मेरा कोई सोर्स भी नहीं था, मेरा कोई जुगाड़ भी नहीं था। और लोग बता रहे थे PGI में एक बेड पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हम लोग एकदम परेशान होने लगे। जैसे तैसे यहाँ पे जानती जो एम्बुलेंस था उनके मतलब इतना ज़्यादा प्रोसेस हर चीज़ का चल रहा था यहाँ पे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल किसी भी तरीके से एम्बुलेंस को फिर हम लोग अरेंज करते, क्योंकि ये ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस गया था तो हम लोग का 1 घंटा और भी नुकसान हुआ रायबरेली में। और ये सारे मतलब ये तीनों हॉस्पिटल आप विश्वास मानो 4:30 बजे से हम लोग रेफ़र हुए थे और 11:30 बजे हम लोग मम्मी को लेके लखनऊ के लिए आ गए थे। हम लोग को लगा कि लखनऊ में हो सकता है मतलब मम्मी को एडमिट कर लिया जाए, पर यहाँ पे हम लोग इस समय ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये 4:30 बजे तक है, मतलब 11:30 से 4:30 तक मेरी मम्मी एम्बुलेंस में रही और एडमिट करने को छोड़ो कोई देखने तक नहीं आ रहा था। और एम्बुलेंस वाला ये कहे कि हम पेशेंट को नीचे उतार देंगे और आप जहाँ ले जाना वहाँ ले जाइए, अब मेरा टाइम ना वेस्ट करिए। पूरी तरीके से हम परेशान हो गए थे। उसके बाद मेरे जब कुछ दिमागी सेंस काम करना बंद हुआ तब मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली कि मेरी हेल्प करो, हम लोग बहुत यहाँ पर परेशान हैं, कोई भी आकर के मेरी मदद करो। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे जब सोशल मीडिया पे मैंने डाला कि मेरी मदद करो और कि मेरी मम्मी मतलब यहाँ पे लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं,
तो इतने लोगों का फ़ोन आने लगा और इतने लोग, इतने यूट्यूबर, इतने पब्लिक, सब कोई मेरी मदद के लिए सामने आया और उसके लिए हम थैंक यू सो मच कहना चाहेंगे। और आज ये तो नेक्स्ट डे है बहरहाल, क्योंकि कल मम्मी एडमिट हुई है, कल वही लगभग हमने 4:30 बजे वीडियो डाला, उसके बाद से लोगों ने जब मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से जब मुझे हेल्प मिलना शुरू हुई तो, और उसके बाद मेरे मामा की भी इसमें मदद हुई, आवश्यकता हुई, मतलब मैंने अपने मामा को भी फ़ोन लगा दिया तो उनका भी थोड़ा बहुत सोर्स था, तो उनकी मदद और सोशल मीडिया की मदद से यहाँ पे बहरहाल मम्मी 6:30 बजे रात में, कल रात 6:30 बजे रात में यहाँ पे एडमिट हो गई हैं और इस समय आईसीयू में हैं। और आप देख सकते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं, और यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे आए हुए हैं। पहले बड़ा वाला बेटे को नहीं ला रहे थे, फिर ये हुआ कि अकेले घर में वो सही नहीं लगता बच्चे को छोड़ना। मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, जितना भी है हमको लगा आपको, मम्मी जो थी वो आप लोग से कहीं बहुत ज़्यादा, आप लोग मेरी मम्मी से करीब थे, आप लोग मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो मुझे लगा कि अभी मैं यहाँ बाहर बैठी हुई थी सुबह सुबह, इस समय 5:30 बज रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मम्मी को क्या हुआ, कहाँ पर हैं दीदी। तो बहरहाल इस समय मैं लखनऊ में हूँ और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि आज भी कुछ टेस्ट होने वाले हैं, तो उसके टेस्ट के आधार पर डॉक्टर ने पहले ही ये बता दिया था कि मतलब हम पूरी तरीके से, मतलब जैसे क्या होता है ना कि मम्मी की एज जो थी वो 72 साल है, तो मतलब कुछ ऑपरेशन भी बचे हुए थे क्योंकि इनको पथरी भी है पेट में 11.5 mm की, तो वो कहा कि इतनी ज़्यादा एज है और हर चीज़ किसी चीज़ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो पहले बॉडी को नॉर्मल करेंगे तभी कोई चीज़ आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, मगर पहले अभी सुबह सुबह भी मेरी बात हुई थी बहरहाल, तो वो यही कह रहे पहले प्रोसेस ये है कि पहले जान बचाई जाए। और थोड़ा आपको मैं बता दूं कि मम्मी को क्या हुआ है, तो मम्मी का इस समय मतलब सडनली, जैसे मुझे तो नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, मैं तो ये सुनी भी नहीं थी कि क्या होता है, मगर अभी मतलब यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जैसे होता नहीं ब्रेन हैमरेज हो जाता अचानक से कोई चीज़ होती है, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया अचानक से तो इसलिए कोई दिक्कत आ गई, या बीपी हाई हो गया, तो उसी तरह सोडियम होता है, तो सोडियम मम्मी का बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो सोडियम लो होने के कारण उनको सारी प्रॉब्लम मतलब बढ़ गई। और मुझे ये मतलब प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता था ऐसा कि कोई प्रॉब्लम बॉडी में होता है, मगर अब मुझे पता चला मम्मी के माध्यम से, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी सारी रिपोर्ट जब आएगी तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि क्या क्या हुआ। बहरहाल ईश्वर से मनाइएगा कि रिपोर्ट सारी अच्छी आए, पॉजिटिव आए। और कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, बस आप लोग आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे ये पता है कि जितनी मेरी फैमिली को मेरी माँ की आवश्यकता है, पता नहीं यार मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। बहरहाल अभी जो शौर्य हैं वो मम्मी के पास अंदर हैं आईसीयू में, क्योंकि आईसीयू में आप जानते किसी को जाने नहीं देते, बस एक एक लोग जाते हैं। और यहाँ तेजस भी बगल में लेटे हुए हैं, इधर मतलब मेरे हस्बैंड भी लेटे हुए हैं, हम लोग तीनों लोग बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि आईसीयू में सबको अलाउड नहीं है। तो रात में हम लोग बारी बारी से जा रहे थे, एक बार तेजस का 2 घंटे गए, फिर 2 घंटे हम, 2 घंटे ये। और यहाँ पर तो हम लोगों को कुछ करने को भी नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ करें डॉक्टर अपने मन से कर रहे हैं, बस खाली आप वहाँ जाके बैठे रहो बस खाली, और सारा ट्रीटमेंट अंदर अंदर हो रहा है। तो बहरहाल ये वीडियो को तो अभी अभी यहीं पे एंड करते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट अगर दे पाई तो दूंगी, नहीं दे पाई तो नहीं दूंगी। तो बस आप लोग महादेव से, भगवान से यही कृपा करिएगा कि सब कुछ अच्छा हो मेरी फैमिली को, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इस वीडियो के एंड यहीं पे करते हैं, थैंक यू।